हमारे चरित नायक लाला जगत नारायण जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञात प्रथम छोर अर्थात उनके पूर्वज दीवान मूलराज चोपड़ा थे, जिन्हें शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का एक विश्वस्त अधिकारी समझा जाता था और वो मुल्तान पाकिस्तान के गवर्नर थे। इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि महाराजा रंजीत सिंह प्रखर राष्ट्रवादी थे। वे नहीं चाहते थे कि पंजाब के लोग धर्म या जाति के नाम पर बचकर कमजोर बने तथा विदेशियों के लिए उन पर आक्रमण करना और उन्हें कुचलना आसान हो। वे महान पंजाब के एक महान शासक थे। उनकी शूरवीरता, अदम्य साहस व प्रशासनिक कुशलता इतिहास सिद्ध है। उनके राज्य में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी समान भाव से परस्पर प्रेम पूर्वक रहते थे। धार्मिक, सांप्रदायिक या जातिगत वैर भाव के लिए कोई भी स्थान नहीं था। महाराजा रंजीत सिंह के महान आदर्शों का प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक ढूंढा जा सकता है। उन्होंने एक अधिकारी के तौर पर पूर्ण निष्ठा और समर्पण के भाव से कार्य किया तथा कई वर्षों तक सेवारत रहे। महाराजा रंजीत सिंह बहुत उदार हृदय थे। दीवान मूलराज चोपड़ा की अनन्य स्वामी भक्ति से प्रभावित व प्रसन्न होकर उन्होंने दीवान मूलराज चोपड़ा को वजीराबाद, जो कि अब पाकिस्तान में है, कुछ भूमि तथा दीवानों की हवेली नाम से प्रसिद्ध एक महल उपहार स्वरूप दिया था। उन दिनों दीवान को अच्छे अधिकार प्राप्त होते थे। उन्हें छोटी मोहर वाले कहकर पुकारा जाता था तथा उनकी मोहर के बिना चनाब नदी को पार करने की अनुमति भी नहीं थी। वजीराबाद उन दिनों एक अच्छा खासा जाना पहचाना नगर था, जो रेल द्वारा लाहौर, रावलपिंडी, सयालकोट, जम्मू व लायलपुर आदि नगरों से जुड़ा हुआ था और नगर की ऐतिहासिकता भी थी। कहा जाता था कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार अपना घोड़ा यहाँ के गुरु कोठा गुरुद्वारा में बांधा था और यही महाराजा रंजीत सिंह का गर्मियों में विश्राम करने के लिए एक महल था, जो मुस्सम बुर्ज के नाम से जाना जाता था। लाला जगत नारायण जी के जन्म काल के समय इस नगर के लोग बहुत प्रगतिशील, शिक्षित व सजग थे। लगभग एक दर्जन स्कूल भी नगर में थे। पंजाबियत व पंजाब संस्कृति के विविध रंग रूप यहाँ विद्यमान थे। बैसाखी, बसंत पंचमी तथा होली के अवसर पर यहाँ के मेले बड़े प्रसिद्ध थे। नगर से कोई 3 किलोमीटर दूर चनाब नदी थी। यहीं लगता था बैसाखी का मेला, जहां पंजाबियत का पूरा प्रदर्शन होता था। लाला जगत नारायण जी के पूर्वज वजीराबाद में गली आर्यावाली वेड़ा चोपड़ा का मोहल्ला दीवान में एक विशाल मकान में रहते थे, जो छोटी ईंटों से बना हुआ था तथा जिसमें 9 कमरे थे। लाला जगत नारायण को अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा और वैभव पर बहुत गर्व था, जिसे याद कर वे कई बार रोमांचित हो उठते। अपने पूर्वजों के महान आदर्शों का प्रभाव लाला जी के व्यक्तित्व में भी देखा जा सकता था। वे भारतीय और पंजाबी पहले थे, हिंदू बाद में। राष्ट्रीयता की भावना का संचार उनकी नस नस में था। लाला जी के पिता श्री लक्ष्मीदास चोपड़ा इन्हीं दीवान मूलराज चोपड़ा के पुत्रों में से एक थे। श्री लक्ष्मीदास चोपड़ा का जन्म और पालन पोषण वजीराबाद में उसी महल में हुआ, जो उन्हें महाराजा रंजीत सिंह ने भेंट की थी। परंतु लक्ष्मीदास ने अपने पूर्वजों से हटकर अपने लिए अलग व्यवसाय चुना। वजीराबाद में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के पुलिस बल में जाना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वे पुलिस में प्रचलित शराब और सिगरेट आदि व्यसनों के भी अभ्यस्त हो गए। परंतु लाल देवी से विवाह होते ही उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। श्रीमती लाल देवी एक सुसंस्कृत आर्य समाजी परिवार से संबंधित थी। उनमें व्यक्तिगत साहस व प्रबल इच्छा शक्ति थी। धीरे धीरे वे अपने पति श्री लक्ष्मीदास जी को सभी प्रकार की बुरी आदतों से मुक्त कराने में सफल हो गई और वे पूरी तरह से शाकाहारी बन गए। इस प्रकार श्रीमती लाल देवी के माध्यम से श्री लक्ष्मीदास आर्य समाज के संस्थापक
महर्षि दयानंद के आदर्शों व विचारों से प्रभावित हुए बिना ना रह सके। यह काल भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल था। देश भर में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद व महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे विचारक व समाज सुधारक समाज में फैले अज्ञान, अंधविश्वास, कुरीतियों, गली सड़ी परंपराओं व जर्जर मान्यताओं के अंधकार से लड़ रहे थे। पंजाब में आर्य समाज की वैदिक विचारधारा का प्रसार प्रभाव अधिक देखा जा सकता था। महर्षि दयानंद के आदर्श विशेष रूप से पढ़े लिखे युवकों में अधिक लोकप्रिय हो रहे थे। राष्ट्रीयता और भारतीयता के पोषक थे महर्षि दयानंद। आर्य समाज के विचारों के अनुरूप डीएवी शिक्षा आंदोलन का सूत्रपात भी उन दिनों हो चुका था। डीएवी शिक्षा प्रणाली प्राचीन व नवीन का समन्वय थी। वैदिक जीवन मूल्यों पर आधारित आधुनिक विज्ञान समस्त शिक्षा इस आंदोलन का ध्येय था। यह शिक्षा आंदोलन राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय सिद्ध हुआ। इस परिवेश का लाला जगत नारायण पर भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। उनको राष्ट्रीयता, भारतीयता, प्रगतिशीलता, व्यक्तिगत साहस, निडरता, निर्भीकता जैसे उच्च संस्कार अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुए, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त लक्ष्मीदास उर्दू व फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। उनकी लिखाई बहुत ही सुंदर थी। चिनाब नदी के प्रति एक चुंबकीय आकर्षण था और वे अक्सर कहा करते थे, नई रीसा चिनादियां भामे सुक्की भग्गे, यानी चिनाब नदी का कोई मुकाबला नहीं, चाहे वो सूखी ही बहे। तो ये थे हमारे नायक लाला जगत नारायण जी।